आध्यात्म की यात्रा में आपको किसी और का नहीं बल्कि खुद का इस्तेमाल करना चाहिए। आज दुनिया भर में लोग सत्य, ज्ञान, मुक्ति, मोक्ष ये सब पाने के लिए न जाने कहां कहां भागे जा रहे हैं। एक उम्मीद होती है कि शायद हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति करा दे, कोई सही मार्ग बता दे। आप दुनिया में हर एक चीज का उपयोग करते हैं परंतु फिर भी आपके हाथ खाली रह जाते हैं। देखिए, मेरी बातों को गौर से सुनना। आपको अपने जीवन में कुछ भी चाहिए, आप कुछ भी हासिल करना चाहते हो, अब वो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो या संसार में रहते हुए किसी भी प्रकार की सफलता, कैसा भी बिजनेस, ये सब कुछ हासिल करने की चाबी आप ही के पास है। कई बार ये चाबी एक्सीडेंटली आपके हाथ में लग जाती है और आप दुनिया में सफल हो जाते हैं, परंतु दुनिया का सफल से सफल इंसान अंत में अपने आप को हारा हुआ देखता है। सब कुछ हासिल करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि परम मुक्ति ही परम ठहराव है, वहीं आपकी रेस रुक पाती है। तो चलिए समझते हैं कि आप स्वयं की सहायता कैसे कर सकते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था कि मनुष्य का शरीर रथ के समान है और रथ में बंधे घोड़े मनुष्य की इंद्रियां हैं, जिनसे वह सभी संसार के सुख दुख भोगता है। यहां भगवान ने मनुष्य के शरीर को और आत्मा को कितनी सरलता से समझाया है। अब देखो, हमारे जीवन में भी मनुष्य जैसे ही पैदा होता है, पैदा होते ही उसके जीवन की यात्राएं शुरू हो जाती हैं। मैंने कहा यात्राएं, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी एक दिशा की ओर नहीं जाता, वह अनेकों दिशाओं की ओर यात्रा करता है। एक सामान्य मनुष्य धन कमाने की यात्रा पर निकलता है, कोई पद प्रतिष्ठा कमाने की यात्रा में निकलता है। अरे भाई, आपने अपने आसपास देखा होगा, किसी को अपने जीवन में कुछ बनना है तो किसी को कुछ बनना है, अर्थात सबको कुछ ना कुछ बनना ही है। जीवन में एक सफलता पाने के लिए हम ना जाने क्या क्या करते हैं, यात्रा चलती रहती है। कोई एक चीज हासिल करने के बाद हम दूसरी कुछ चीज पाने की यात्रा में निकल जाते हैं, और जब यह संसार की सभी यात्राएं रुक जाती हैं तो आखिर में हम एक यात्रा पर निकलते हैं, और वह यात्रा है आध्यात्म की यात्रा। मतलब जब संसार में हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं उसके बाद भी हमें आनंद नहीं मिलता, तब हम उस आनंद को आध्यात्म में ढूंढते हैं। परंतु हैं ये सभी यात्राएं, और जहां पर यात्रा होगी वहां पर वाहन अवश्य होगा। अब महाभारत के समय में मोटर कार जैसी सुविधा नहीं थी, उस समय पर रथ था, तो श्री कृष्ण भगवान ने रथ का एग्जाम्पल दिया। आज आप अपने शरीर को कोई भी वाहन समझ सकते हैं, तो जब आपको गति करनी है, किसी भी प्रकार की यात्रा करनी है, चाहे सांसारिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, आप बिना वाहन के नहीं कर सकते। मतलब आपका शरीर आपके लिए वाहन है, और आपकी यात्रा कितनी सुखद होगी, कितनी जल्दी होगी, ये आपके वाहन यानी आपके शरीर पर निर्भर करता है। जैसे आप किसी खराब गाड़ी से सफर करने का सोचते हैं जो समय समय पर खराब होता रहता है, उस गाड़ी की कोई गारंटी नहीं कि वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। हो सकता है आपकी गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, टायर पंचर हो जाए या किसी भी प्रकार का टेक्निकल इश्यू। अब आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे, मतलब ये कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है यानी आपका वाहन बिल्कुल ठीक है, तब यह आपको आपकी यात्रा में आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका दिमाग स्वस्थ होगा, आप अच्छा सोच सकते हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों ही प्रकार से भरपूर कार्य ले सकते हैं। असल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप स्वस्थ होते हैं तो हर एक कार्य में आपका मन लगता है, और एक बीमार शरीर जो स्वस्थ नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति का दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता, ना ही उसके दिमाग में बेहतर आइडियाज आते हैं, और ना ही उसे अपने लिए भविष्य में कुछ करने का मन करता है। बीमार इंसान का मन भी पढ़ाई में नहीं लगता, आप एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की गति ना तो किसी सांसारिक कार्य में हो सकती है और ना ही किसी आध्यात्मिक कार्य में। मतलब साफ है, किसी भी क्रिया को करने से पहले, क्रिया चाहे सांसारिक हो या फिर आध्यात्मिक या योग ध्यान हो, इन सब में सफलता आपको तभी मिलेगी जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। जैसे मान लीजिए आप ध्यान करने बैठे हैं और आपके पेट में दर्द हो रहा है, या आपकी कमर में दर्द हो रहा है, या आपको कोई अन्य बीमारी है,
तब आपकी चेतना उस बीमारी पर ही अटक जाएगी। आप ध्यान में उतर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि असल में आपका ध्यान तो वहां होगा जहां शरीर के जिस हिस्से में आपको प्रॉब्लम है। यात्रा वहीं की वहीं रुक जाएगी। इसीलिए आध्यात्म में योग और प्राणायाम का अधिक महत्व है, यानी योग और प्राणायाम आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है। मतलब आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, अब आप यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं होगी तो आप अपनी यात्रा के बीच में ही लटके रह जाएंगे। आपको केवल इतना जानना चाहिए कि आपने जो शरीर धारण किया है उसे आपको स्वस्थ रखना है। आपको अपने शरीर का उपयोग एक वाहन, एक गाड़ी की तरह करना है और मंजिल आते ही वाहन को छोड़ देना है। देखिए, वाहन तो सबको छोड़ना पड़ता है, यानी यह शरीर सबको ही छोड़ना है। परंतु जब आप ज्ञानी बनकर शरीर छोड़ते हैं तभी आपको सच्ची सफलता मिलती है। फिर आपको दोबारा शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है, अब किसी वाहन की आवश्यकता नहीं, आप परम ठहराव में स्थिर हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं, आपको मनुष्य का जन्म मिला, आपको एक असाधारण बुद्धि मिली, सोचने समझने की शक्ति मिली, तो आपको अपने शरीर का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना आप अपनी फेवरेट कार का ध्यान रखते हैं। इस शरीर का सही उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब यह स्वस्थ रहेगा। एक अस्वस्थ शरीर में रहकर आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ होगा ही नहीं। आप प्रयास चाहे जितना मर्जी कर लें,